ने सनी भैया को तो लंदन जाने से रोक लिया, लेकिन कब तक? आपको क्या लगता है निकिता जी चुप बैठेंगी? बेटा मैं जानता हूँ कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है काफी सोच समझ कर करना है। पापा हम क्या कर सकते हैं, आपने खुद ही देख लिया ना, उन्होंने बात ही पलट दी। उन्होंने ये कहा कि उन्हें फंसाने के लिए मैंने झूठी रिपोर्ट्स बनवाई। सिया एक बात हमेशा याद रखना, सच हमेशा सच होता है और झूठ हमेशा झूठ। देर सवेरे लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या तब तक हम इंतजार करते बैठेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? आई एम श्योर तब तक निकिता जी कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी। ये तुम कैसे कह सकती हो? पापा उस दिन जब मैं सोनिया भाभी के कमरे से बाहर निकली, मुझे निकिता जी मिली थी। उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में धमकी दी, कह रही थी कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बड़ी मुसीबत? कैसी बड़ी मुसीबत? यही तो समझ में नहीं आ रहा है पापा, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, कोई ना कोई बात जरूर होगी। बेटे जब तक बात सामने नहीं आ जाती है हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? अब फिर हम गलत क्या कर रहे हैं बताओ? चिंता बिल्कुल मत करो। ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मेरे बरसों का बना बनाया खेल कोई ऐसे कैसे बिगाड़ सकता है? मैं किसी को भी अपने सपनों को कुचल के आगे बढ़ने नहीं दूंगी, कभी नहीं। पहले तो उस दो कौड़ी की लड़की ने सोनिया के सामने मेरी पोल खोलने की कोशिश की, और फिर उसने सनी को लंदन जाने से रोक लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर सनी ये घर छोड़ के गया ना तो उसे इस जायदाद से भी बेदखल होना पड़ेगा। लेकिन इस लड़की को ये सारी इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? कौन है जो उसे ये सारी बातें बता रहा है? कौन? जाते जाते भी मेरे लिए मुसीबत छोड़ के गए तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं किसी के सामने भी हारूंगी नहीं, कभी नहीं। सुना तुमने? मैं किसी के सामने भी नहीं हारने वाली। अगर तुम चाहो ना तो ये बात उस लड़की के सपनों में आके उसे कह सकते हो, या फिर ऊपर से एक लेटर लिख के भेज सकते हो तुम उसे। आई डोंट केयर। लेटर? आई गॉट इट, आई जस्ट गॉट इट। तुम्हारी वो डायरी एक ऐसी चीज है जो इस लड़की को ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है। मेरा शक सही निकला, तुम्हारी ये डायरी उस लड़की के पास ही है। आज मीता को गुजरे 1.5 साल हो गया, पता नहीं कब कैसे मैं निकिता के बहुत करीब आ गया, शायद इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 साल में निकिता ने आतिश और सनी का बहुत ख्याल रखा। शंकर आप तो कहते थे कि आपको इंसान की बहुत अच्छी पहचान थी, लेकिन इस मामले में शायद आप धोखा खा गए। जिसे आपने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए इस घर में आने की परमिशन दी, उसी ने आपके बच्चों को आपसे दूर कर दिया, उनके मन में आपके खिलाफ नफरत भर दी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है।